तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ फिजिक्स। आपके पास फिर से एक नया चैप्टर जिसका नाम है आपके पास एनर्जी। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को हीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है और अब हम बारी आ चुकी है, बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले वो है आपके पास एनर्जी। तो सबसे पहले ऑफकोर्स कुछ जानने से पहले एनर्जी के बारे में जानेंगे, तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं अपना सिस्टम। जो आपके पास एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास एनर्जी है वो सिंपली आपके पास क्या रहता है, यह आपके पास बताता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। समझ में आती है ना बात, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। देखिए एनर्जी का नाम सुनते ही आपके अंदर जोश आ जाता है कि वाह एनर्जी है हमारे अंदर। जिसके पास जितना ज़्यादा एनर्जी वो उतना ही ज़्यादा काम करेगा, वर्क करेगा। समझ में आती इतनी बात, समझ में आती है ना बात, ठीक है। चलिए तो कैपेसिटी की जगह कहीं पर अगर एबिलिटी लिखा हो तो घबराना नहीं है, बहुत सारे सिनोनियम्स बेसिकली और कई बार लिखा हुआ मिल जाता है आपको, तो डरने कोई जरूरत वाली बात नहीं है। अब एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, अच्छा वर्क तो लिखा ही नहीं, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क कह दीजिए या फिर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कह दीजिए, बात एक ही है। यहाँ पे हम रेट नहीं लगाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। रेट बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, रेट लगाने के वो अलग ही मीनिंग बन जाता है, पावर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिलहाल जो हम बात कर रहे हो क्या, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कि हम काम कितना ज़्यादा कर सकते हैं। जो काम जितना ज़्यादा कर सकता है उसके पास उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होती है, हम कुछ इस तरीके से बेसिकली एनर्जी को डिफाइन करते हैं। और जो आपके पास वर्क डन की, जो वर्क की होती थी एसआई यूनिट, वही आपके पास एनर्जी की भी होने वाली है। आपके पास एसआई यूनिट दैट इज जूल, क्या होने वाला आपके पास, दैट इज जूल। और ऑलरेडी मैंने, हालांकि ये अभी की बात नहीं है, जब मैं हीट करवा रहा था वहाँ पे आपके पास वर्क एनर्जी के बारे में बताया था और जूल के बारे में बताया था, राइट। कैपिटल जैसे बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसके एक सीजीएस यूनिट होती है आपको मालूम है, और जो सीजीएस यूनिट्स होती है वो होती है आपके पास अर्ग्स, अर्ग बोलते हैं या फिर अर्ग्स बोल दिए, जूल होते हैं या फिर जूल्स बोल दीजिए प्लुरल फॉर्म में, तो कुछ अर्ग्स की बात करेंगे। अर्ग होता है जनरली सिंगुलर में और प्लुरल में अर्ग्स हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आपके पास दो यूनिट होते हैं, इनके बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है जहाँ से हम बताते हैं कि वन जूल जो है आपके पास वो 10^7 अर्ग्स के इक्वल होते हैं। मतलब जो अर्ग्स है आपके पास वो काफ़ी छोटी यूनिट है, जूल के आपके पास बड़ी यूनिट है, क्योंकि एक जूल बनाने के लिए आपके पास 10^7 अर्ग्स की रिक्वायरमेंट होती है। समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हो गए, उसके बाद अगर हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो आपको पता चलेगा ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। समझ में आती है इतनी बात, इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, है ना, इट इज कैटेगराइज अंडर स्केलर क्वांटिटीज। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास इसके, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो डायमेंशनल फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं, बेसिकली कुछ लाइक दिस, डायमेंशनल फार्मूला। अभी तो मैंने वीडियो बेसिकली अपलोड किए नहीं है, बट उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, तो यूनिट्स में ये वाली चीज़ें आती हैं। बाकी अगर आपके में है या भी या नहीं है पता नहीं, बट फिलहाल मैं बता देता हूँ, इसका होता है ML2T-2। कैसे निकाला है मैं चेक करूँगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में कि डायमेंशनल फार्मूले इस पर है या फिर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल इसको मैं ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर पढ़ रखा है पहले से, पता है क्या होता है, फिर तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आती है ना बात, बिल्कुल बिंदास रहिए। चलिए आगे की बात करते हैं हम, और आगे की बात कर दिया, ये तो शॉर्ट इंट्रो दे दिया मैंने आप लोगों को क्या, एनर्जी के बारे में। हालांकि यही इंट्रो नहीं है, अभी एनर्जी के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। चलिए तो बात करते हैं हम एनर्जी से क्या करते हैं भाई, काम करते हैं। एनर्जी से क्या करते हैं बेसिकली काम करते हैं। तो किस किस टाइप का काम कर सकते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग काम कर सकते हैं, दैट विल डिपेंड कि हमारे पास किस टाइप की एनर्जी है और उसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। बट बिफोर दैट एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा। एक नंबर में मैटर इज साइक्लिक, कन्वर्जन ऑफ मैटर बेसिकली, तो कन्वर्जन पे चले जाते हैं हम यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ मैटर इज साइक्लिक। समझ में आती है इतनी बात, नहीं आती ना मालूम है, टेंशन मत लीजिए, अभी समझा देंगे। दूसरा आपके पास कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज लीनियर। अब इसका क्या कहने का मतलब है, उस चीज़ को समझते हैं। देखिए जब भी आप साइक्लिक की बात करते हैं, उससे पहले समझ लीजिए कि मैटर क्या है।
तो मैटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना, परिवर्तन करना, बदल देना एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सो बेसिकली अगर हम मैटर को बदल रहे हैं, समझिएगा चीज़ों को, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको मालूम है कि 78% आपके पास नाइट्रोजन गैस आपके पास एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, राइट, है ना, पूरे एटमोसफेयर में आपके पास कितना 78% नाइट्रोजन गैस है। यहाँ से आपके पास वायरस की वजह से या फिर किसी भी तरीके से बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते जाते हैं आपके पास नाइट्राइड में, फिर वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, उससे पहले यहाँ पे ये कन्वर्ट रहता है NH4+ में, अमोनियम में, उसके बाद आगे फिर ये कन्वर्ट होते होते आपके पास प्लांट्स के पास जाते हैं, प्लांट्स के थ्रू बाहर या फिर बैक्टीरिया आपके पास ये क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप इस नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सुना होगा, पहले आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में, कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर से आके जमीन के थ्रू फिर वापस आपके पास एटमॉस्फेयर में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में वापस क्या होता है आपके पास चला जाता है। अब बात आती है यहाँ पे ये कि अच्छा इससे पहले अमोनिया भी बनता है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने सारे स्टेप यहाँ पे आपको डिटेल में बताया नहीं है, एक शॉर्ट बताया सिंपल से समझाने के लिए कि जो मैटर है N2 क्या मैटर है एक। अब मैं आपको समझाता हूँ मैटर है क्या, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास, मतलब सिंपल सी बात है जिसका कुछ ना खुद का कुछ ना कुछ मास हो। याद कीजिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिखवाया था 14, तो N2 है तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम। सो 28 ग्राम तो इसका खुद का मास भी है और जहाँ पे ये रहता है इसका खुद का कुछ ना कुछ क्या आपके पास फिक्स वॉल्यूम नहीं है, बट जहाँ भी हम रख सकते हैं वॉल्यूम कुछ ना कुछ होता है, जो कुछ ना कुछ स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे आपके पास अच्छा जब हम बात करते हैं ऑक्यूपाई करने के स्पेस की, तो स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि ये गैस ने इतना स्पेस ले रखा, क्योंकि इसके वॉल्यूम जो फिक्स नहीं रहता है। समझ में आती है इतनी बात, बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल में एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जमीन के अंदर जाता है, सिंपल सॉइल के पास जाता है, और सॉइल से वापस कहाँ चला जाता है एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे हुआ क्या, नाइट्रोजन एक मैटर था, मैटर का कन्वर्जन हुआ अलग अलग चीजों में, उसके बाद वापस वो कन्वर्ट होकर किस में चला गया, नाइट्रोजन कहाँ चला गया आपके पास एटमॉस्फेयर में। तो जहां से वो ओरिजिनेट हुआ वहीं पे वापस आ गया, जिस फॉर्म में गया उसी फॉर्म में वापस आ गया। सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक, दैट्स वाई हमें पहले ही कह दिया गया है कि जो कन्वर्जन ऑफ मैटर रहता है वो हमेशा साइक्लिक रहता है। तो मैटर जितनी भी चीज होती है वो साइक्लिक रहते हैं, बट एनर्जी के केस में ऐसा नहीं है। एनर्जी के केस में आपके पास यहाँ पे देखने को जो मिलेगा वो ये रहेगा कि उसको हम बोलते हैं लीनियर है। लीनियर का मतलब है एक बार गया तो गया भाई, वापस रिवर्सिबल टाइप की चीज़ें होती तो है, लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ता है। उसके बारे में हम आगे चल के आगे बेसिकली पढ़ेंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लीनियर होता है क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर दूसरे फॉर्म से वापस अपने आप आना, समझ रहे, अपने आप आना वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाकर वर्क डन करवाना पड़ता है, फिर जाकर उसमें हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ से एक छोटी सी समझ में आई होगी कि मैटर जो है वो साइक्लिक है, अपने फॉर्म से जिस यहाँ से ओरिजिनेट होता है वहीं पे इनिशियल फॉर्म में आ जाता है, बट जो आपके पास जो एनर्जी है वो आपके पास लीनियर है ना, एक जगह से दूसरी जगह गया वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है। अब बात आती है हीट की, बात कर लेते हैं लाइक दिस, जैसे कि लेट्स से मैं क्या करता हूँ, ये मेरे दोनों हाथ हैं, समझ रहे, ये दोनों मेरे हाथ हैं, मैं क्या करने वाला हूँ मालूम है, इसको मैं रब करने वाला हूँ। देखिए इस तरह से मैंने रब किया और मेरे हाथ में हीट प्रोड्यूस हो गया, मेरे हाथ में क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा एनर्जी का कन्वर्जन हो कैसे रहा, यहाँ पे मैंने वर्क डन किया, मैंने कुछ ना कुछ काम किया। अब आपको लग रहा है मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, एनर्जी एक तरीके से सप्लाई दिया, अपने जो बॉडी का एनर्जी था, केमिकल एनर्जी बोल दी या फिर किसी भी फॉर्म में जो भी एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर स्टोर है, इलेक्ट्रिकली किसी भी फॉर्म में कह दीजिए, वो जो एनर्जी स्टोर है उसको यूज करके मैंने क्या किया, हीट प्रोड्यूस किया अपने हाथों से, और ये हीट क्या हुआ, एनवायरनमेंट में लॉस हो गया। अब मैं उतना ही अगर हीट अपने हाथ पे रख देता हूं तो जितना मैंने वर्क किया उतना वर्क आपको एक्चुअल में नहीं मिलेगा। जब ये नहीं मिलता है तो कहते हैं ये लीनियर हो गया, चला गया, बस वापस 100% वाली कहानी आपको नहीं दिया। तो ये एक काइंड का क्या हो गया, आपके पास एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया। आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवा दिया, उसमें बता रखा है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट चैप्टर पूरा करवा दिया, वहां पे करवा दिया हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली, राइट। तो वहां पे सारी चीजें आपको मैंने बताते हुए आ रहा हूँ, तो ज्यादा टेंशन लेने की वैसे कोई जरूरत नहीं आप लोगों को, है ना, सारी चीजें बताते आता हूँ। स्टार्टिंग से देखा कीजिए सारी चीजें, किसी भी चैप्टर को देखें तो, और अगर मैं कहीं पे किसी चैप्टर के बीच में बोल देता हूँ कि पहले ये चैप्टर कर लीजिए, प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले,
अब हम आगे की अगर हम बात करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, और अब हम बढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या कहने का मतलब है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझिएगा, बेसिकली एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है, एनर्जी का फ्लो होता है, और कैसे फ्लो होता है, लीनियर फ्लो होता है, साइक्लिक नहीं होता है। बेसिकली ये जो मैं कन्वर्जन बता रहा था, एक तरीके से आपके पास फ्लो था, है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी इज साइक्लिक इन केस ऑफ मैटर, बट फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना, बेसिकली फ्लो ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ एनर्जी, बेसिकली फ्लो ऑफ, बेसिकली उसमें जो फ्लो ऑफ एनर्जी करवा रहे थे, फ्लो ऑफ मैटर करवा रहे थे एक तरीके से, तो वो साइक्लिक था, और एनर्जी जो था आपके पास, फ्लो ऑफ जो एनर्जी है वो साइक्लिक नहीं है, वो क्या आपके पास लीनियर। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि अब हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी रहता है वो क्या कहानी है। एक एनर्जी ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो कहना है, सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे भी हीट का फ्लो होता है, हीट का जहाँ पे भी आपके पास फ्लो होता है, उसे हम उस ब्रांच को, केमिस्ट्री के उस ब्रांच को या फिर फिजिक्स के उस ब्रांच को, बेसिकली ये जो थर्मोडायनेमिक्स हो, कभी फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप, कभी केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, और दोनों जगह पे आपके पास हीट का फ्लो होगा। हीट का फ्लो मतलब एनर्जी का फ्लो होगा, और जहाँ पे भी एनर्जी का फ्लो होगा, बेसिकली हीट का फ्लो होगा, उस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं उसको? थर्मोडायनेमिक्स। और जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके खुद के लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें से, उनमें से जो आपको अभी जो पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ ही पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट लॉ ही आपको पढ़ाया जाएगा। और फर्स्ट लॉ का कहना है कि आपके पास जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी रहता है, ना ही हम एक तरीके से, मैंने स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आपने पहले भी सुना होगा, ये कुछ नई चीज़ नहीं है ना, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, याद कीजिए ये पढ़ा हुआ आपने, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये छोटी सी स्टेटमेंट है आपके पास किसकी, एनर्जी की। उसके बाद इसमें कहा जाता है बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। अब इसका क्या कहने का मतलब है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कभी आपने अगर सेल यूज़ किया हो, जैसे रिमोट में सेल डाल देते हो, या फिर किसी और भी वॉच में हो गया है ना, जो वॉल वॉच होता है उसमें डाल दिया, या फिर आपके पास रिस्ट वॉच होता है उसके अंदर जो आपके पास बटन सेल होते हैं वो डाल देते हैं, तो इसके अंदर होता क्या एक्चुअल है मालूम है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअल में एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा होता है। समझिएगा, एनर्जी का क्या हो रहा था आपके पास, कन्वर्जन हो रहा होता है। तो ये जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम सेल डालते हैं या फिर किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, एक तरीके से जो सेल है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल एनर्जी है उसके अंदर, उस केमिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट करवा दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वहाँ पर नीड थी, है ना, हम इलेक्ट्रिसिटी देते तो वो हमारा डिवाइस चलता, नो डाउट, बट हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ पर किस फॉर्म में दिया है, केमिकल्स को कन्वर्ट करवा के, एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही दिया है, चाहे बाहर से दीजिए या फिर किसी भी सेल से कन्वर्ट करवा के दीजिए, मतलब हमने वहाँ दिया है एक तरह से एनर्जी, और कौन सा एनर्जी दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया कहाँ से, तो आपके पास जो वॉच में अलर्ट से वो कहाँ से आया, उसमें वो आया आपके पास केमिकल एनर्जी से। तो एक तरीके से केमिकल पहले से क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी आपको पहले से ही कहीं पे स्टोर किया हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ पे जा रहे हैं और एक नई एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यही रीज़न है कि यहाँ पे स्टेटमेंट आता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही आप एनर्जी को बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार आपने ऐसा कर दिया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है सेल से वो आपने बना दिया, ऐसा नहीं है, वहाँ पे पहले से एनर्जी स्टोर था सेल के अंदर। अब आप बोलोगे सेल तो हमने ही बनाया, इसका मतलब हमने क्रिएट किया, नहीं, आपने जिस चीज़ को यूज़ किया उसको बनाने के लिए उसमें एनर्जी पहले से स्टोर था, मतलब आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ असेंबल किया है, एनर्जी को आपने क्रिएट नहीं किया, आपने सेल को क्रिएट किया, बस समझ में आ रही है ना इतनी बात, आपने एनर्जी पहले से उस पार्टिकल्स में स्टोर्ड था। तो
तो एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड ना ही आप उसको बना सकते हैं नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसे हम खत्म कर सकते हैं एक फॉर्म से, लेकिन एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करवा सकते हैं जो हमने सेल बनाया केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा दिया। ये सबसे सिंपलेस्ट वाला एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। एनर्जी का आपको बहुत सारे टाइप देखने को मिलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दुनिया भर के आपको एनर्जी देखने को मिलेंगे, रोटेशनल एनर्जी हो गया। तो एनर्जी के बारे में हम डिटेल में आगे और भी डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी के बारे में बात करेंगे, फिलहाल जो है वो इस चीज़ को आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो उसका यही कहना है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है कि एनर्जी हमेशा क्या रहता है आपके पास, कंजर्व्ड रहता है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी की। देखिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में हालांकि अभी हम आगे और बात करेंगे, अभी जितने भी टाइप के एनर्जी बताए वो सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, केमिकल एनर्जी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकते हैं, हाइड्रो एनर्जी हो सकते हैं, दुनिया भर की एनर्जी है वो हमारे पास एनर्जी हो सकते हैं, वो एक तरीके से सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। आसपास आपको जो भी चीज़ें दिख रही है कोई भी अगर पार्टिकल है तो वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है स्टोर्ड रहता ही रहता है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल दूं, तो आपने हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में सुना होगा जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करवाते हैं, उसमें क्या करवाते हैं, वाटर को एक अच्छे अमाउंट लेवल पे हाइट पे रखा जाता है और वहाँ से उसको फॉल कराया जाता है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, जितनी ज़्यादा हाइट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे उसके अंदर उतना ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर होने लगती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ऊपर जैसे मैंने छोड़ दिया, जितने भी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में जब वो मोशन में आता है, जब वो पे था किसी हाइट पे था तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था। अच्छा जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, उतना ही तेजी से वो नीचे आएगा और उतना ही ज्यादा उसके अंदर फिर कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में, और फिर वो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपके पास टर्बाइन का जो ब्लेड रहता है, आपने पढ़ा भी होगा कभी कि टर्बाइन को घुमाते हैं, हालांकि इसी चैप्टर में हम आपको आगे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो टरबाइन पर फॉल करता है, पंखा रहता है, समझ लिए, तीन है ना विंग्स रहते हैं एक तरीके से, आपने देखा भी होगा उसके ऊपर जब भी फॉल करवाते वाटर को विथ हाई काइनेटिक एनर्जी वो उसको रोटेट करवाता है, रोटेशनल एनर्जी को फिर हम आगे कन्वर्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, काइनेटिक फिर रोटेशन में, रोटेशन में इलेक्ट्रिकल में, फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अपने पंखे चला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, यहाँ से आपके पास मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है एनर्जी का कन्वर्जन। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में है क्या। सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपको नॉर्मली पता ही है कि कितने कितने अलग अलग तरीके के सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, और आगे जैसे जैसे इस चैप्टर को हम आगे पढ़ाते जाएंगे आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो भाई साहब अनलिमिटेड, मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत सारे आपको पता चलते चले जाएंगे। आगे की बात करते हैं हम कि एक जो गुड फ्यूल, क्या कहते हैं इसको, गुड जो आपके पास फ्यूल होता है, फ्यूल के बारे में कहता है। जैसे कि देखिए हम जनरली अपने डेली लाइफ में जो कहते हैं, आपके बुक के हिसाब से सारे टॉपिक्स को कवर करवा रहा हूँ मैं बेसिकली, देखिएगा जनरली हम जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं जैसे हीट एनर्जी ले रहे हैं, तो या इधर हम LPG सिलेंडर को लगा के ले रहे हैं, या फिर किसी लकड़ी को जलाकर, वुड है ना उसको जलाकर ले रहे हैं, या फिर किसी और चीज़ को बर्न करके ले रहे हैं जो जनरली हम खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में वो है क्या, एक तरीके से फ्यूल है, वो क्या आपके पास फ्यूल है। अच्छा ये जो फ्यूल्स होते हैं उसको अच्छा फ्यूल कब कहा जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज निकल कर आता है, अराइज होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद भी हंसते खेलते दे सकते हैं। कहा जाता है एक अच्छा फ्यूल किसे कहा जाता है, एक गुड फ्यूल हम किसे कहेंगे, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए उसके बारे में सारी चीज़ें हम गुड फ्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम होने चाहिए, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम होने चाहिए, या फिर आप पर यूनिट किसी के अगर वॉल्यूम नहीं है तो आप मास के टर्म में भी उसकी बात कर सकते हैं, बिंदास रहिए, वैसे वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ होगा ही अगर मास है तो टेंशन लेने कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मास पे भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चीज़ों को समझिएगा।
कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसका कहने का मतलब क्या है मालूम है? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई फ्यूल लिया तो उससे आपकी एफिशिएंसी जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप लेट से मैंने एक लकड़ी जलाया, एक लकड़ी को मैंने जलाया उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है, एक दूसरी लकड़ी को जलाया जो दूसरे क्वालिटी का था उससे कम हीट निकल रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकाला उसी को कहेंगे वर्क डन। बोले तो ज़्यादा मिल रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है, हीट मतलब वर्क डन मिल रहा है, एक एनर्जी मिल रही है, ज़्यादा एनर्जी का हमें प्रोडक्शन हो रहा है, मिल रहा है हमें। तो इसको कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होना, उसको हम एक गुड फ्यूल जो है वो कहेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट। कुछ इसी तरीके से अच्छा, जो भी आपके पास एक गुड फ्यूल होते हैं उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाई होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। कहने का मतलब ये, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो आपके पास कितने ज़्यादा कैलोरीज जो है वो एनर्जी निकाल कर दे रहा है। तो जो ज़्यादा अच्छा फ्यूल होगा वो ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू, उसकी कैलोरिक वैल्यू भी क्या होने वाली है आपके पास, ऑफकोर्स हाई होने वाली। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? आगे बात करते हैं सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज़। दूसरा आपके पास सेफ एंड कन्वीनियंट, ये एक चैप्टर जो बड़ा ही आसान सा है, कन्वीनियंट टू यूज़ है ना। यहाँ पे आपके पास ना न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं ना किसी तरह की कुछ और चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में आसपास चीज़ें देखे हुए रहते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। अब बात आते हैं सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज़ का क्या मतलब है। कोई ऐसा हमें फ्यूल मिलना जो कि बहुत ही अच्छे से सेफली कहीं पे रखा जा सके और इजीली हम उसको कन्वीनियंट हो जाए यूज़ होने के लिए, इजी टू यूज़ हो और कुछ नहीं। नेक्स्ट आपके पास इजी टू ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। देखिए ये मेन मेन की पॉइंट्स हैं आपके पास, समझ में आती है ना बात। बाकी आपको डिटेल में चाहिए तो आप बुक से एक बार रीडिंग जरूर ले लीजिएगा, मैं जनरली की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ। इजी टू ट्रांसपोर्ट, अगर एक जगह से दूसरी जगह मुझे कैरी करके लेके जाना है और मान लो कि एक ट्रक भर के है तो कैसे लेकर जाऊँगा, नहीं ना, समझ में आती है ना बात। लेकिन हाँ, अगर छोटा सा अमाउंट रहेगा एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल हो जाएगा, वो कैरी करके ले जाएंगे तो वहाँ पे हम उसका बेसिकली जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो इजी टू अगर ट्रांसपोर्ट हो तो बढ़िया है, तो उसको हम एक गुड फ्यूल कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास इजी टू स्टोर। अब ऑफकोर्स वॉल्यूम जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा स्टोर करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम हो, कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे, वर्क डन ज़्यादा दे बेसिकली, तो एक गुड फ्यूल कहा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास चीप एंड इजीली अवेलेबल। अब भैया सस्ता हो तब तो बढ़िया नहीं है, चीप एंड इजीली अवेलेबल। अब देखिएगा चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है, जो चीप हो बोले तो जो सस्ता हो तो वही तो हमें चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ में इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब जब आसानी से हमें मिलेगा ही नहीं तो फिर काहे का गुड फ्यूल भाई, समझ में आती नहीं इतनी बात, फिर काहे का गुड फ्यूल। क्योंकि जब आसानी से आपको मिलेगा ही नहीं फिर उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, फिर क्या फ़ायदा, समझ में आ रही ना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े उसको हमें गुड फ्यूल। तो गुड फ्यूल का मतलब ये सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपके पास नो पॉल्यूशन, चीज़ों को समझिएगा, जिसका पॉल्यूशन लेस होना चाहिए एक तरीके से ना, तो पॉल्यूशन लेस से लिख देता हूँ। तो जो आपके पास पॉल्यूशन ना करें वो आपके पास एक गुड फ्यूल होगा। तो अच्छा फ्यूल के कैटेगरी के लिए आपके पास कुछ इस तरह से हैं, जैसे आपने CNG देखा होगा, पेट्रोल के मुकाबले आजकल कहा जा रहा है कि CNG जो है वो पॉल्यूशन लेस है ना, गो ग्रीन करके हम यहाँ पे स्लोगन देते हैं। तो वही चीज़ है आपके पास, जितने ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज होंगे उतना ही ज़्यादा हम उसको एक गुड फ्यूल कहेंगे। बताइए किसी भी तरह की यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं ना। तो चलिए अभी तो हमने सिंपल सी बात करी है कि एनर्जी क्या होते हैं और एक गुड फ्यूल क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे और आगे की जो चीज़ें हैं वो सिंपल हैं आपके पास, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं बेसिकली एनर्जी को, है ना। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो रिसाइकिलिंग पीरियड के बेसिस पे है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी है आपके पास, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी है आपके पास। और वो क्या है, किस पे बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिसाइकलिंग पीरियड। तो रिसाइकल कितनी जल्दी हो सकती है उसके बेसिस पे बोला है। तो पहला जो उसमें से रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी,
सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं। और दूसरा आपके पास नॉन, नॉन और सारी चीज़ें वही है, चलिए पूरा लिख देता हूँ, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब चीज़ों को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे। री का मतलब होता है दोबारा, न्यू का मतलब होता है ऑफकोर्स नया, और एबल मतलब जो बन सकता है, मतलब दोबारा से जो नया बन सकता है उसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल। सिंपल सी बात है ये चीज़ें। अब सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, जैसे मेरे पास सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी अच्छा, ये जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली प्रेजेंट होते हैं, मतलब टेंशन नहीं रहती, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कह सकते हैं क्योंकि रिसाइकलेबल होते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपके पास सोलर एनर्जी है, हमारे पास एक्सेस अमाउंट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। दूसरा विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी को घुमाकर हम टरबाइन घुमाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं, वो हो गया। एक हाइड्रो एनर्जी हो गया, लकड़ी को भी एक हम एक तरीके से कह सकते हैं रिसाइकिलिंग वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं, एक बार लकड़ी को यूज़ किया उसमें पानी डाल दिया उसका कोयला बन जाता है, इसको हम जाइलेंथ्रेक्स बोलते हैं, जाइलेंथ्रेक्स बोलते हैं उसको, लकड़ी को कोयले को, तो लकड़ी को कोयले को दोबारा से हम यूज कर सकते हैं, तो इसको भी एक तरीके से रिसाइकिलिंग के कैटेगरी में डाल सकते हैं, हालांकि इसका ऑर्डर कम होगा बट ठीक है, सही होगा। वाटर तो है ही आपके पास, कई कामों में ला सकते हैं एक बार यूज़ करने के बाद, तो ये सारे आपके पास हैं क्या रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के, मैंने आपको एग्जांपल बता दिए और ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होते हैं। दूसरा नॉन रिन्यूएबल, ठीक इसी का आपके पास अपोजिट होने वाला है, कि जो हमें क्या मिलने वाला है, जो एक बार यूज़ किया उसके बाद यूज़ हो गया भैया, हम दोबारा नहीं यूज़ हो सकते। एग्जांपल पेट्रोल है, एक बार गाड़ी में डाला ख़त्म हुआ तो दोबारा नहीं मिल रहा आपको उससे कुछ भी, है ना, पेट्रोल डीजल कोल ये सारी चीज़ें हैं वो आपके पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ, इसकी क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस कह लिए या फिर यूजेबिलिटी कह लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहला आपके पास कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसके बाद आ जाता है आपके पास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो चलिए देखते हैं, तो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का क्या कहने का मतलब है उसको समझते हैं एक बार। तो कन्वेंशनल का मतलब है कि जिसको हम बड़ी तेजी से यूज़ कर रहे हैं और इजिली यूज़ कर रहे हैं, इजिली अवेलेबल हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बुरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जो एग्जॉस्ट होने वाले हैं आपके पास एक तरीके से। समझ में आ रही है इतनी बात, इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। अच्छा, इसमें भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते थे, इसको आप यूज़ करेंगे तो इनएग्जॉस्टिबल यूज़ करेंगे, और इसमें जब आप यूज़ करेंगे तो एग्जॉस्टिबल यूज़ करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, ये वाले जो होंगे वो ख़त्म नहीं होंगे और ये वाले जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, ये लिमिटेड में है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो कोल है, पेट्रोलियम है, वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं और उसको बनने में भी एक बार यूज़ कर दिया तो ख़त्म है, और ये इन फ्यूचर आपके पास बहुत ही जल्दी ये हमारे पास से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हम बड़ी तेज़ी से इनका जो यूज़ है वो कर रहे हैं, और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो आपके पास वो क्या लिमिटेड में प्रेजेंट है, ये अनलिमिटेड नहीं है। हालांकि अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो 5 बिलियन से बहुत ज़्यादा ईयर्स है वो अभी चलो है हमारे पास प्रेजेंट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। विंड एनर्जी आपके पास एटमोसफियर का कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सारे रिन्यूएबल वाले हैं, तो इनकी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनकी है जिनको हम बड़ी तेजी से यूज़ कर रहे हैं, इनको बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे कन्वेंशनल में उसी की बात कर रहा है कि जिसको आप तेजी से यूज़ कर रहे हैं वो होते हैं आपके पास कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और ये एग्जॉस्ट होने वाले हैं, मतलब यहाँ जो नॉन रिन्यूएबल है वो आप कह सकते हो लगभग कि वो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंडर में थोड़ा सा फॉल करेगा। कहने का मतलब जिसको हम बड़ी तेज़ी से यूज़ करें, कोल पेट्रोलियम जो आगे चल के फ्यूचर में एग्जॉस्ट होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, और नॉन कन्वेंशनल कौन से हो जाएंगे, ऑफकोर्स वो रिन्यूएबल वाले कैटेगरी वाले आ जाएंगे, बोले तो जो दोबारा से यूज़ होंगे वो नॉन कन्वेंशनल, हमारे लिए एक तरीके से कन्वेंशनल से याद है कन्वीनियंट, नॉन कन्वीनियंट ख़त्म। तो ईजी कन्वीनियंट वाले हम फटाक से यूज़ कर रहे हैं, ईजी अवेलेबिलिटी वाले, और ये वाला है नॉन कन्वेंशनल जो हमारे लिए इजीली कन्वीनियंट नहीं है, तुरंत यूज़ करना नहीं है, उसके लिए प्लांट बिठाना पड़ेगा, उसके बाद उससे हमारे पास एनर्जी जो है वो आने वाले, हालांकि इनके लिए भी प्लांट बिठाया है लेकिन ये इजी अवेलेबल है, बट ये वाले नहीं होंगे नॉन कन्वेंशनल वाले। और कन्वेंशनल वाले जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम बड़ी बुरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और इन फ्यूचर क्या होने वाला आपके पास,
ये बहुत ही जल्दी आपके पास ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी आपको एक बार बुक से रीडिंग लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम लिख लिख के नहीं बताया जा सकता, थ्योरेटिकल वाली चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल वाले में वैसे भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है, इसको पढ़ाने में तभी मज़ा आएगा जब एक तरीके से स्मार्ट बोर्ड होगा, वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, पहले बताते जो मज़ा सा आ जाएगा। बट ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को लगभग सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन करके ही आगे बढ़ा हूँ, ऐसे आगे नहीं बढ़ाऊँ। तो फिलहाल जो आप लोगों को जो काम है वो ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।